ओ भाई साहब ब्रो सीरियसली सच में व्यू पॉइंट है वो वही मॉल तो नहीं जिसमें जो कल दिखा था बावड़ी होता है बावड़ी लोग बोलते हैं बावरी बावरी है अब जैसे वो दिल्ली में है अपना उग्रसेन की बावड़ी अरे ओए हाँ चल ये देखो गोलगप्पे का पानी इतना सारा डुबकी मार मार के खाओ ये वंस अपॉन अ टाइम इन नाहरगढ़ द फाइन डाइन इंडियन रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट है ये एग्जॉटिक सनसेट एंड सिटी लाइटिंग व्यू ये क्या है श्री माधवेंद्र भवन है ये एंट्री है भाई उधर से एंट्री है उधर से देखना वहाँ खड़े हैं लोग अब आए हैं तो भाई चल लेते हैं फटाफट निपटाएंगे कितना 5:15 हो गए 45 मिनट फटाफट निपटाते हैं चलो दिस वे प्लीज कौन सा है सूरज प्रकाश अच्छा ये कहाँ गए ऐसे एंट्री है ऐसे करके शायद ऐसे ऐसे करेंगे ज़िगज़ैग गाइड भी लेंगे आप लोग सर गाइड नहीं सर नहीं गाइड ले लो ये बढ़िया है ना जगह से ओ हो ये जगह से बढ़िया लग रहा है हाँ ये देख इंटरकनेक्टेड है पूरा का पूरा ऊपर से दिस वे प्लीज दिखा रही वहाँ भी ऐसे सब रेड रेड है अंदर ले गया है गुड मॉर्निंग टू द न्यू ब्लॉग और लास्ट डे हमारा जयपुर में आज के लास्ट डे भी क्या है बस कुछ घंटे बचे बस अमन फ्रेश होके आ रहा है उसके बाद हम लोग चले जाएंगे हमारी गाड़ी है शायद आधे घंटे में है आधे या पौने घंटे के करीब है इसके बाद भाई सच बताऊँ 2 दिन का था प्लान बहुत रैंडमली बना बट जो मज़ा आया इस 2 दिन हमारा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं गया जो हम लोगों ने प्लान किया था वो पूरा का पूरा प्लान के मुताबिक ही चला दोनों दिन का खूब आराम किए सारे जितने भी यहाँ के हम लोगों ने देखे थे कि फेमस चीज़ें वो सब हो गए बस एक चीज़ हमारी छूट गई जो कि था हमारा लस्सी वाला ज़्यादा दूर नहीं हवा महल की जस्ट आ गया था बट वहाँ पे हमें पता नहीं चला था भाई टाइमिंग वगैरह का कुछ उस पर लिखा नहीं था वो 12-1 बजे तक पूरी बंद हो जाती है रात को यार गलत हुआ हम लोग ऐसा नहीं हो चुके थे सारी बिल्डिंग्स के लाइट जला रखे थे रात में हम लोग खा पी के रात को आए प्लान था हवा महल जाके बस देखने का उसका जो लाइट का व्यू था भाई को लाइट ही नहीं जलाई थी ये भाई मेरी शिकायत है सब हर सारे बिल्डिंग की लाइट जलती हवा महल की क्यों नहीं जली कल बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अमन और मैंने मिलके प्लान बनाया कि एक रिस्क लेते हैं घर वालों को स्टेशन भेजते हैं
और हम लोग लस्सी वाले की दुकान पे जाते क्योंकि सुबह के टाइम लस्सी वाला खुल गया था, अभी हम लोगों ने देखा था। तो हमने यही किया, हमने घर वालों को भेजा स्टेशन और दूसरे ऑटो में हम लोग दोनों आ गए लस्सी वाले के दुकान पे। और ये है वो लस्सी वाले की दुकान और ये ऑथेंटिक और वहाँ की सबसे पुरानी लस्सी वाले की दुकान है। इस पर इसका GST नंबर, इसका शॉप नंबर सब कुछ मैंशनड है। अब एक चीज़ जो मैं बोल रहा था कि इस शॉप को यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है 7 बजे से शाम के 4 बजे तक, लेकिन शाम के 4 बजे तक हमने शॉप वाले अंकल जी से बात की, उन्होंने बोला था कि 4 बजे तक तो बहुत ही रेयर है कि टिकती है, इनकी 12-1 बजे तक लस्सी का पूरा का पूरा स्टॉक ख़त्म हो जाता है और जैसे स्टॉक ख़त्म होता है इनकी दुकान बंद हो जाती है।